बॉयज़ एंड गर्ल्स वैसे ना अपनी देसी आवाम ना, मतलब लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी ऐसी होती है कुछ। क्या अभी हम लाइन में खड़े हैं सारे, अंदर आके आगे हमारे घुस के शुरू हो गए खाना डालना, कहती सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं कह यार ये क्या बात है। वो निहारी की बोटी कितने मजे से टूट रही है, बॉयज एंड गर्ल्स ये चेक करो जरा। ओए होए होए होए, भूख तो नहीं लग रही ज्यादा। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स शीश कैफे पे। शीश कैफे यहाँ पे बड़ा मशहूर हुक्का बार है और वहाँ पे मतलब फूड वगैरह भी मिलता है, लेकिन उनका इफ्तार बफे शुरू हुआ था इस रमजान में ना। बहुत से डैलस एरिया में ना इफ्तार बफे वाली जगह है, अभी हमें यही सबसे सूटेबल लगी थी क्योंकि बहुत सी जगह तो वैसे ही बुक हो गई है क्योंकि हमें लास्ट मिनट प्लान बना था, तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। वैसे मैंने उनको बताया था, मैंने कहा मैं व्लॉग भी करूंगा, कहते ओ यस यस प्लीज मोस्ट वेलकम। खैर उधर जाएंगे आपको दिखाएंगे कि उनका सेटअप किस तरह है, फिर उनकी हर चीज थोड़ी थोड़ी टेस्ट करके बताएंगे और रिव्यू करेंगे कि शीश कैफे वालों ने अपना खाना कैसे रखा है। अब है तो ये हुक्का बार है, लेकिन खाना एक दफा मैंने खाया था, बहुत मजे का था। चेक करते हैं आज इफ्तार बफे में है क्या, होपफुली ज्यादा कुछ स्पाइसी ना हो। हम हलाल फेस्टिवल पे गए थे, हमने उनसे पापड़ी चाट भी ली थी। हाँ कितनी मजे की थी इनकी, ये पता नहीं क्या इनका कोई शेफ है, हालांकि हुक्का बार है लेकिन शेफ इनका बहुत अच्छा है। आज हुक्का भी थोड़ा सा एक लगाएंगे। फॉर वी गो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर बॉय ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम रिसेंटली हैज बीन पॉपिंग ऑफ विद माय रील्स के, और मैं स्टोरीज भी अच्छी अच्छी लगा रहा हूँ, तो जरूर मुझे फॉलो करें एंड मैसेज भी करें। बट आई विल सी यू देयर। Few moments later. Boys and girls, check करो बारिश कितनी हो रही है, आगे पीछे कोई नजर ही नहीं आ रहा। सड़क पे दो तीन दफा थंडर गिर गई है मेरे सामने, अब पता नहीं हम पीछे कैसे पहुंचेंगे। रोजा अगर रास्ते में खुल गया तो बारिश का पानी भी पी सकते हैं। मेरा मुंह निकाल गया। Anyways, boys and girls, see you there. गाड़ी जरा चला लो। Whoa, oh, oh. मुझे ऐसे रमजान में गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन इतना भीग रहा है, बारिश हो रही है, मैंने फिजा को वहीं पे उतार दिया, तो अब मुझे ना नारुतो वाली रन मारनी पड़ेगी यहाँ पे ना, पीछे हाथ करके अपने। जितनी देर मैंने वो किया वैसे ही भीग गया मैं। बड़ी मुश्किलों से आए हैं भाई, बहुत बारिश हो रही थी इस वक्त। यार हम इस पे इफ्तारी करेंगे बैठ के, प्रॉपर टेबल ही कोई नहीं है। मुझे लगा उन्होंने किया होगा सीन ना प्रॉपर टेबल वाला। आई थिंक हम अपना डाल सकते हैं थोड़ा सा। बॉयज एंड गर्ल्स 3 मिनट में इफ्तारी खुलने वाली है। अच्छा वो मेन बुफे जो है ना वो उधर खुलेगा बाद में। हाँ एक खजूर रख दो। अल्लाह माफी दे। अच्छा इसमें थोड़ी सैलड डालना, थोड़ी सी वो स्पगेटी पड़ी है वो क्या है, देना जरा पास्ता सैलड देना, थोड़ी सी अच्छी लग रही है। दही बल्ला भी है बॉयज एंड गर्ल्स इनके पास, पकोड़े भी हैं, थोड़े से डाल दो, ज्यादा नहीं, इतने बड़े बड़े बल्ले ना डालो भाई, एक डाल दो, एक छोटा समोसा डाल दो, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना ना अभी, फिर मेन कोर्स नहीं खाया जाएगा। वेजी नूडल्स है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास चिकन टिक्का बोटी भी है। फ्रूट चाट दे दो मुझे। बॉयज एंड गर्ल्स आज पता नहीं ASMR कर सकता हूँ कि नहीं, मैं सीन ये कि आवाज़ बहुत ज्यादा है ना सराउंडिंग में, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। Here we go again. It's like a fried Good? You know how you do the fried chicken? So basically they just use the batter and put like vegetables in it. Yeah. So far so good. Noodle salad. Noodle salad कितनी मजे की है। 10 out of 10 है नूडल्स। समोसा टू गुड, समोसा भी टॉप क्लास है। दोबारा गिरा दूं तुम्हारा। यार मेरे हाथ कांप रहे थे भूख से, तो थोड़ा सा तुम्हारी प्लेट पे लग गया। दही बल्ला कितना अच्छा है, मीठा मीठा, एंड द सैलेड, वाओ। शीरमाल मिल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे हमारे पास है, शामी मिल रहा है, दाल चावल मिल रहा है। थोड़ी सी एक बोटी इधर भी ऐसा करें निहारी की, वैसे नूडल है भी मैंने डाल लिया बोले जा नहीं रहे साथ। और माँ बॉयज एंड गर्ल्स पाए भी यहाँ पे, ठीक है, निहारी है पीछे, चिकन कौरमा यहाँ पे हमारे पास, बीफ बिरयानी है, साथ हलवा है, साथ फलूदा है। ठीक है दाल के ऊपर लग रहा है मुर्गी की, दाल चावल है। अच्छा अच्छा दाल चावल है। तरह से चावल। बॉयज एंड गर्ल्स वैसे ना अपनी देसी आवाम ना, मतलब लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी ऐसी होती है कुछ। अभी हम लाइन में खड़े हैं सारे, अंदर आके आगे हमारे घुस के शुरू हो गए खाना डालना, कहती सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं यार ये क्या बात है। मैंने अब कुछ नहीं कहा यार, मैं बंदा चावल भी लगता है कहते हुए, वेट कर लो 2 मिनट क्या हो जाएगा, मर जाओगे नहीं खाओगे, पता नहीं है, मुझे लगता है गुजरांवाला की लड़कियां थी ब्रो। हाँ वो तो प्लेटें भी खा जाती है ना, गुजरांवाला की या फिर वो गुजरात की,
गुजरात की या निहारी खाते हो, निहारी की बोटी कितने मजे से टूट रही है बॉयज एंड गर्ल्स, ये चेक करो जरा, ये देखो, ओए होए होए होए, भूख तो नहीं लग रही ज्यादा, ये देखो जरा, यार बहुत मजे की बीफ निहारी है भाई, वाओ क्या बीफ निहारी है, इनका सारे खाने अच्छे हैं। बटर चिकन भी 8/10 बहुत अच्छा है, चिकन कोरमा वाह जी वाह। नूर ये तो चिकन कढ़ाई खा के शादियां याद आ गई देसी, 10/10 है तो बॉयज एंड गर्ल्स। चिकन टिक्का निहारी में मजे का चिकन टिक्का, ये तो खीर प्रॉपर लाहौरी खीर है यार, देखो चूस चूस के खा रहा है। शीश कैफे में इफ्तार बफे आके ट्राई करो, वन ऑफ द बेस्ट, मैंने इतना अच्छा इफ्तार बफे अमेरिका जो भी डैलस एरिया में, इसलिए कहे पाकिस्तान से उठ के नहीं आ सकते, बात है सरोज की। बॉयज एंड गर्ल्स अभी सीन ये है कि हमने मंगवाया है इनसे हुका, ये इसका नाम है तेरी माँ की पान मिंट, ठीक है, ये वैसे मैं समझ नहीं आती गालियाँ दे के कूल क्यों होते हैं थोड़ा, ओह शिट मैंने सीधा मुंह में डाल दिया, सॉरी यार, स्मूथ है, हाय 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 हाय। वैसे मैं बॉयज एंड गर्ल्स हुक्के का और ये शीशे का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ना ये जगह का मुझे बस शीश का पसंद है, हुक्का ना बड़ा सॉफ्ट और सूदिंग है, पहली दफा बनाया मैंने भी तुक्का मारा, I got carried away. 10 seconds later. सिंगल से कौन सा नशा डाल दिया इसमें हुक्के में, कि मुझे लगता है वीट डाल दिया अंदर नीचे हुक्के के ना भर के, मेरे तो सर पे चढ़ गया, मुड़ने लग गया, उड़ने लगा क्यों, पीरो मुर्शद का पड़ा हुआ पानी था जो। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स हम यहाँ पे हुक्का पीते हैं, फिर गाड़ी पे आप जाके मिलते हैं जरा। तो बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर के ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, आई नो छोटा सा ब्लॉग था, लेकिन मैं एक और वीडियो पे काम करूँ अभी बैठ के, जो मैं इसके बाद लगाऊंगा, मे बी विल पुट इन द सेम डे और मे बी द नेक्स्ट डे, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगली वीडियो होगी, मेक श्योर टू ट्यून इन फॉर दैट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉयज एंड गर्ल्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भाई के फुल आजकल भाई की फुल रील्स आ रही है, स्टोरीज लग रही है, फुल हीट चल रही है वहाँ पे, एनीवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। Thank you.